हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल केक, लेकिन कुछ अलग ही डिज़ाइन में बनेगा आज का हमारा पाइनएप्पल केक। तो जो ये केक था मेरा बुकिंग, ये एक्चुअली 2.5 किलो का केक है, 2.5 से 3 किलो का केक है। तो कस्टमर ने कम से कम मुझे इस केक के बारे में कम से कम 15 से 20 बार बात करी, कम से एक हफ्ते तक मुझे इस केक को लेके बात करते रहे। मैंने उनसे ये कहा कि आपको जब ये फाइनल होगा तो आप मुझे कंफर्म कर देना, मैं आपका केक बना दूंगा। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि बड़ा ही दिमाग ख़राब हो जाता है कि जब मैंने इस केक को बनाना स्टार्ट करा, पूरा कन्फर्म कर लिया, 15-20 दिन तक उन्होंने मेरे से बात करते रहे इस केक के लिए, और जब बनाने का टाइम आया तो एकदम से ही उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। जो केक का डिज़ाइन था वो मुझे एकदम से चेंज करना पड़ा, तो मेरा बड़ा ही मूड ख़राब हुआ। लेकिन भाई काम तो करना ही है, तो बस उनसे मैंने यही कहा कि भैया कम से कम आपने 15-20 दिन से आपकी यही किस केक को लेके मेरे से बात चल रही थी, लेकिन अभी तक आपने कन्फर्म भी किया तो उसमें भी लास्ट टाइम आपने एट ए टाइम बिल्कुल चेंज कर दिया, बल्कि केक में बना चुका हूँ। तो अब वही था, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, भैया गलती हो गई, ये कंफर्म करा था, वो कह रहे ये कलर होना चाहिए, वो कह रहे ये कलर होना चाहिए। तो भैया उसके लिए मैं देखो सॉरी है, लेकिन प्लीज़ अगर आप केक को चेंज कर सके तो प्लीज़। अब वही होता है कि यार करना पड़ता है कि यार कस्टमर को अगर केक ही पसंद ना आए, उनकी पसंद का केक ना बन पाए तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने इस पर कलर जो किया था स्काई ब्लू कलर किया था, पूरे केक पर इन्होंने जो कलर दिया था मुझे स्काई ब्लू था और एक ब्लैक फॉरेस्ट टाइप का डिज़ाइन था। तो उन्होंने मेरे से जो कहा मैंने हालांकि वही केक बनाया। जब मैं आपके सामने जैसे ही अब केक बना रहा हूँ, तो उसी दौरान मतलब जैसे ही तैयार हुआ और मैंने इस केक को अपने दूसरे वाले केक के ऊपर रखा, तो तभी उनका फ़ोन आया, भैया जी थोड़ा सा प्लान चेंज है, आपको कलर इसका चेंज रखना है, तो नीचे वाले का कलर आपको अलग रखना है और ऊपर वाले का कलर अलग रखना है। अब मैंने उनको खूब समझाया, लेकिन भैया प्लीज़ कर दो कर दो कर दो। तो दिमाग बहुत ज़्यादा मेरा उस टाइम ख़राब हो चुका था कि यार केक बनाने के बाद इतना टाइम लेने के बाद भी इन्होंने केक कंफर्म नहीं करा, और अब जब बन गया तो इन्होंने फिर वही भैया इस केक को चेंज करो। तो वही था कि मैंने फिर मुझे चेंज करना पड़ा, तो बहुत दिक्कत आई। मतलब बहुत ही कई बार हो जाता है कि मन इतना ख़राब हो जाता है कि केक काम करते करते कई बार काम का बहुत प्रेशर भी होता है, और उसी टाइम कोई ऐसी चीज़ भी आ जाए कि दिक्कत हो कि उसको चेंज करना पड़े या केक की क्रीम उतारनी पड़े, तो बस समझ लो ऐसे ही कुछ आज मेरे साथ हुआ। तो ये केक बिल्कुल आप देख सकते हैं कि केक पूरा तैयार था। मैंने यहाँ पे इस केक की दोबारा क्रीम उतारी और मैंने इसे दोबारा से पिंक कलर में इसको मतलब चेंज किया पिंक कलर से। तो यार होता है ना कि जब कन्फर्म हो जाता है और फिर उसके बाद यार जब केक को चेंज करना पड़ता है तो बड़ा ही थोड़ा सा गुस्सा आता है कि केवल टाइम हो तो आप इस काम को बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी टाइम बहुत बिजी होता है, केवल शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि एक एक बनाने का भी टाइम नहीं हो पाता है। तो बहुत पेंडिंग था उस दिन मेरे पास काम, लेकिन वही था कि बनाना था तो बनाया मैंने इस केक को। तो अब जो केक का डिज़ाइन था एट ए टाइम पूरा ही चेंज कर दिया उन्होंने, बिल्कुल चेंज कर दिया। बस उन्होंने ये कहा कि भैया इस केक का जो डिज़ाइन बनाएंगे, पहले जो उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिया था वो कुछ और था, लेकिन उन्होंने बस मेरे से कहा कि भैया जो डिज़ाइन आपको बनाना है आप अपनी मर्ज़ी से बनाइए, और इसको जो थीम देनी है मतलब इस टाइम में देनी है कि ऊपर जैसे कि आइस जो हम आइसक्रीम खाते हैं शादी पार्टियों में जो उसके स्कूप होते हैं, तो उस तरीके से इसमें स्कूपिंग करनी है, मतलब केक के ऊपर टॉप पे बिल्कुल हमें स्कूपिंग करनी है, तो जो ऐसे लगे कि आइसक्रीम रखी हुई है, जैसे कि अलग अलग कलर की होती है। हालांकि मैंने 2 ही कलर दिए, जैसे केक था उसी कलर के मैंने इसके ऊपर स्कूप टाइप के मतलब ये नोजल से मैंने इस पर रख दिया। तो इसी तरीके से मैंने दोनों कलर से मतलब जो हमारा स्काई ब्लू कलर और पिंक कलर था उसी तरीके से मैंने स्कूप टाइप में इसमें रखा। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्यों ना इसके ऊपर हल्का हल्का चॉकलेट घिस के डाल दिया जाए, जिससे कि केक की जो लुक है थोड़ी सी और अलग सी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो केक था हमारा नॉर्मल सा मतलब ठीक था, लेकिन कुछ भरा भरा सा मतलब जैसे कि होना चाहिए थोड़ा सा उस टाइप में नहीं था। तो मैंने इसमें एक झालर सी लगाई अपनी नोजल से,
तो इसको लगाने के बाद भी मुझे केक के अंदर कुछ कमी सी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा जो चॉकलेट है वो घिस के डाल दें। तो हम इसके ऊपर चॉकलेट घिसेंगे, और फिलहाल मैं अभी नोज़ल मार रहा हूँ अपने येलो कलर से। तो बस इसी तरीके से इस केक को मैंने कंप्लीट किया, और हालांकि उनको केक भी बहुत पसंद आया, लेकिन बस वही होता है ना कि कई बार दिमाग की तरह ख़राब हो जाता है कि किसी केक को जब हम बनाते हैं तो बड़ा उससे बनाते हैं तसल्ली से, लेकिन जब हड़बड़ी का काम होता है और एकदम से सारी प्लानिंग एकदम से ख़राब हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों दिक्कत तो आती जाती रहती है। बाकी ये जो मैंने केक का डिज़ाइन बनाया आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाला जो डिज़ाइन था, हालांकि मैंने आपको पहला केक जो उसका डिज़ाइन जो कंफर्म किया था उन्होंने, वो हालांकि मैंने इसमें मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो ये जो मैंने अपनी तरफ से इस केक को बनाया, आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा, और इसके ऊपर लास्ट में उन्होंने अपने जो टॉपर थे, एक्चुअली डिब्बे के अंदर आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है पैकिंग वगैरह में, तो वो टॉपर मैंने इस पर नहीं लगाए। तो दोस्तों अगर आपको मेरे केक का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ प्लीज़ शेयर करना मत भूलना।